अगर दोस्तों कैनरा बैंक में आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो कैनरा बैंक की तरफ से आपको यहां पर रुपए प्लेटिनम का डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराती है, जो कि दोस्तों आप इंडिया के अंदर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि कैनरा बैंक में हम सेविंग्स अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो कैनरा बैंक दोस्तों आपको एक सेविंग अकाउंट प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपको वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी मिल जाती है। वीडियो केवाईसी करके आप अपने अकाउंट को घर बैठे ओपन कर सकते हो, ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इंस्टेंटली दोस्तों आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन के साथ साथ मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हो। और अकाउंट ओपन करने के 10 या 15 दिन के अंदर अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर रुपए का, पेटीएम का डेबिट कार्ड और चेकबुक आपके घर पे सेंड कर देती है। सो अगर आप कैनरा बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, अगर आप अर्बन क्षेत्र में अपना कैनरा बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर 2000 रुपये आपको मेंटेन करके रखना है, या फिर दोस्तों सेमी अर्बन में तो यहाँ पर 1000 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्र में आपको यहाँ पर 500 रुपये मेंटेन करके रखना है। आप अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो को पूरा देखना है, और हो सके तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों कैनरा बैंक में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो इसके लिए इस पेज पर विजिट करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद में दोस्तों देखेंगे यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग का, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि लेट ओपन सेविंग अकाउंट विद आधार, यानी आधार कार्ड के थ्रू दोस्तों मात्र इसे 4 स्टेप में अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अब अकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तों जैसे कि आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए, साथ में दोस्तों पैन आधार वैलिड होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। देन इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी वीडियो केवाईसी को कम्प्लीट करना है, और साथ ही दोस्तों यहां पर आपका सक्सेसफुल अकाउंट रेडी हो जाएगा। अब अकाउंट को ओपन करने के लिए यहां पर एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आप यहां पर टाइप करेंगे, ईमेल आईडी को टाइप करेंगे, और यहां पर एरो के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, वो वाली ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। अगर ओटीपी आज भी नहीं जाती है तो यहाँ पर रिजनरेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपने जो ईमेल आईडी को टाइप किया है उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, वो ओटीपी इस बॉक्स में डालेंगे और यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पहला आपको आधार का ऑप्शन मिलता है और दूसरा यहाँ पर आधार वर्चुअल आईडी का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार को सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपके पास आधार वर्चुअल आईडी है तो उसे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आधार को सेलेक्ट करेंगे, अपना आधार नंबर इस बॉक्स में टाइप करेंगे और यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, वो ओटीपी दोस्तों यहाँ पर आप फिल करेंगे और एरो के बटन पर क्लिक करेंगे। देन दोस्तों इसके बाद में बैंक की तरफ से आपको आधार की कंसेंट देखने को मिल जाती हैं, आप देख सकते हैं, तो इन्हें दोस्तों आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा पढ़ लेने के बाद में यहाँ पर आप आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस होगा, आपका नाम होगा, वो सब कुछ दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आधार कार्ड पर परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज ए अबव, यानी कि आधार कार्ड वाला एड्रेस और कम्युनिकेशन अगर एड्रेस सेम है तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी दोस्तों आपको नहीं करना है। अगर एड्रेस सेम नहीं है, अलग अलग है, तो यहाँ पर इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे और नीचे दोस्तों आपको कम्युनिकेशन एड्रेस का सेक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने पूरे एड्रेस को फिल करना होगा। इसके बाद में दोस्तों देखेंगे आपके सामने यहाँ पर पैन नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो अपना यहाँ पर पैन नंबर को फिल करेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका पैन कार्ड जो है बैंक की तरफ से वेरीफाई कर लिया जाएगा और इसके बाद में एरो के बटन पर क्लिक करेंगे। सो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर पैन कार्ड जो है वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर नेम भी देखने को मिल गया है, तो हम यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो पहला दोस्तों आपको प्रोफेशन टाइप पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे आप सर्विसेज हैं या फिर आप बिजनेस कोई करते हैं या इनमें में से दोस्तों कोई भी नहीं है, तो आप अदर्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर सब प्रोफेशन टाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी लंबी लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है, तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या काम करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर जैसे दोस्तों अगर आप हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ को आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी सब प्रोफेशन हो वो आप सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर दोस्तों हमने स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में आपकी एनुअल इनकम क्या है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप अपनी एनुअल इनकम को सेलेक्ट करेंगे। देन दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि आपको यहाँ पर कुछ पेरेंट्स की डिटेल को फिल करना होगा, तो जैसे फादर नेम को टाइप करेंगे, मदर नेम टाइप करेंगे,
अब यहाँ पर आपसे पूछा गया आप मैरिड हैं या फिर आप सिंगल हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे भी सेलेक्ट करेंगे। नीचे तो सो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डू यू वांट टू नॉमनी, अगर आप नॉमनी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको नॉमनी डिटेल को फिल कर देना है। जैसे आप किसकी नॉमनी ऐड करना चाहते हैं उनका नाम डालेंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप सेलेक्ट करेंगे, इनके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। अगर जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं और जिनके आप नॉमनी डाल रहे हो अगर दोनों का एड्रेस सेम है तो यहाँ पर इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे और आपका एड्रेस पूरा फिल हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपने कोई गलती से नॉमनी को गलत ऐड कर दिया है तो यहाँ पर अभी क्लिक करके आप अपनी नॉमनी को सही कर सकते हैं और इसके बाद में यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करेंगे। सो दोस्तों इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे हमें यहाँ पर रुपए का डेबिट कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर अगर आप ये वाला अकाउंट ओपन करोगे तो रुपए का ही डेबिट कार्ड आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, SMS अलर्ट और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी इस बैंक में आपको मिल जाती है। अब देन दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर चूज योर ब्रांच के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा स्टेट का, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और अपने स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि हमने अपनी ब्रांच को सेलेक्ट कर लिया है। अभी आप चाहो तो यहाँ पर चेंज ब्रांच के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हो और इसके बाद में कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों वीडियो KYC करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा, जैसे दोस्तों यहाँ पर अपनी डेट को सेलेक्ट करेंगे, आप वीडियो KYC कब करना चाहते हैं, साथ ही यहाँ पर किस लैंग्वेज में आप वीडियो KYC को कंप्लीट करना चाहते हैं, साथ ही दोस्तों यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करेंगे आप किस टाइम पर अपनी वीडियो KYC को करना चाहते हैं, ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन दोस्तों यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है और हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि योर अकाउंट एक्टिवेटेड, प्लीज़ कंप्लीट योर वीडियो KYC एक्सेस फुल KYC सेविंग अकाउंट। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपने जो डेट और टाइम सेलेक्ट किया वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों सीधे आपको जब वीडियो KYC करनी है तो यहाँ पर एक्सप्लोर आवर एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फाइनली दोस्तों बैंक की तरफ से हमारे पास मैसेज भी यहाँ पर आ चुका है, साथ में यहाँ पर बताया कि KYC करने के लिए पैन कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और ये सब कुछ आपको रेडी रख लेना है। देन दोस्तों जैसे हम यहाँ पर मैसेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंसेंट फॉर्म हमें देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं, बाद में स्क्रॉल डाउन करेंगे और रीड करने के बाद में यहाँ पर आप इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या है अपना जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगी, वो OTP यहाँ पर फिल करेंगे और OTP दोस्तों फिल करने के बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। देन दोस्तों यहाँ पर जितनी भी लोकेशंस होगी वो लोकेशंस यहाँ पर आपको परमिशन देना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र में ही अपनी वीडियो KYC को कंप्लीट करना है। इंटरनेट की स्पीड भी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, ये सब कुछ अगर ठीक है तो यहाँ पर सक्सेसफुल आपकी वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर दोस्तों सभी परमिशंस को अलाउ कर देंगे। सो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि वीडियो KYC प्लीज़ स्टे ऑन दिस पेज टू रिसीव द कॉल, तो यहाँ पर बस आपको एजेंट का वेट करना है और आपको वीडियो KYC स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो KYC दोस्तों करते समय पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये चीज़ें आपको साथ में रख लेना है। देन यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, KYC सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिससे दोस्तों गूगल पे, फोनपे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओगे और यहाँ पर डेबिट कार्ड और चेकबुक आपको बैंक की तरफ से सेंड कर दिया जाता है जो 10-15 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से कैनरा बैंक के अंदर अपना अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर वीडियो में जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।